हेलो दोस्तों, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लाइफ इज फिल्मी। ये डरावनी हिंदी फिल्मों की लिस्ट का 14th पार्ट है। 13th पार्ट में मैंने आपको 2003 में आई फिल्म हवा से लेकर 2005 में आई फिल्म नैना तक बताया था। इस लिस्ट में अब हम आगे बढ़ते हैं। 2006 में आई फिल्म आत्मा में एक आदमी के मौत के बाद जब डॉक्टर उसकी मौत का गलत सर्टिफिकेट बनाता है तो उसके बाद उस मरे हुए आदमी की आत्मा उसे और उसकी फैमिली को परेशान करने लगती है। फिल्म का बजट 2 करोड़ 50 लाख था और कमाई 94 लाख की हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। ये रामसेस की 30वीं फिल्म है। फिल्म का डायरेक्शन तुलसी रामसे के बेटे दीपक रामसे ने किया है। म्यूजिक अनु मलिक ने दिया है। गाने सुनिधि चौहान, साधना सरगम, आशा भोसले, सोनू निगम, खुशबू जैन ने गाए हैं। फिल्म में कपिल झवेरी, नैना बाजपेयी, दीप ढिल्लो, मुकेश तिवारी और सदाशिव अमरापुरकर हैं। मेरे बाप को में आई फिल्म डरना जरूरी है में 5 बच्चे एक जंगल में खो जाते हैं। वहां उन्हें एक सुनसान सा घर दिखाई देता है जहां उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है जो उन बच्चों को 6 डरावनी कहानियां सुनाती है। उन्हीं छोटी छोटी कहानियों को मिलाकर यह फिल्म बनाई गई है। फिल्म का बजट 8 करोड़ 75 लाख था और कमाई 10 करोड़ 65 लाख की हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप हुई थी। फिल्म का डायरेक्शन साजिद खान, रामगोपाल वर्मा, प्रवाल रमन, विवेक शाह, जेडी चक्रवर्ती, जीजी फिलिप और मनीष गुप्ता ने किया है। म्यूजिक सलीम सुलेमान और नितिन रैकवर ने दिया है। गाने मोहाना सरकार, सुनिधि चौहान, कोनाल गांजावाला और सुखेंद्र सिंह ने गाए हैं। फिल्म में अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, सोनाली कुलकर्णी, रितेश देशमुख, सुनील शेट्टी, अर्जुन रामपाल और बिपाशा बासु हैं। We are discussing protein. दो हजार छह में आई फिल्म एट द पावर ऑफ शनि में राज को आत्माएं दिखाई देती हैं। इस वजह से वो अपने एक दोस्त की मदद भी करता है। वो अपने भाई और भाभी के साथ रहता है। एक दिन अचानक उनके घर में अजीब घटनाएं होने लगती हैं जिसकी वजह एक आत्मा होती है। फिल्म का बजट 2.5 करोड़ था और कमाई सिर्फ 11.5 लाख की हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म बहुत ही बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। फिल्म का डायरेक्शन करण राजदान ने किया है। म्यूजिक टब्बू मलिक ने दिया है। गाने बुरहान मलिक और अलका याग्निक ने गाए हैं। फिल्म में राज तारा, मेघना नायडू, गुलशन ग्रोवर और पद्मनी कोलापुरी हैं। आज एक अशांत आत्मा को मैंने फन फेयर में देखा। वो जरूर ऐसा कुछ करेगा जिससे जीते जागते हंसते खेलते इंसानों को हानि पहुंचे। 2007 में आई फिल्म डार्लिंग में एक शादीशुदा आदमी आदित्य अपनी सेक्रेटरी गीता से फ्लर्ट करता है। एक दिन जब वो बताती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है तो इस बात की वजह से उनके फ्यूचर रिलेशन पर दोनों की बहस होती है जिसमें गीता गलती से मर जाती है।
लेकिन मरने के बाद भी गीता का भूत आदित्य को हर पल परेशान करने लगता है। फिल्म का बजट 6,50,00,000 था और कमाई 4,75,00,000 की हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप हुई थी। फिल्म का डायरेक्शन रामगोपाल वर्मा ने किया है, म्यूजिक प्रीतम ने दिया है, लेकिन एक गाने का म्यूजिक हिमेश रेशमिया ने दिया है। गाने हिमेश रेशमिया, तुलसी कुमार, शान, सुनिधि चौहान, अदनान सामी और प्रियदर्शनी ने गाए हैं। फिल्म में फरदीन खान, ईशा देओल और ईशा कोपिकर हैं। डरो मत डार्लिंग, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगी। गुड नाइट। क्या हुआ आदित्य, क्या हुआ, क्या है वहां? मैं अब इसे अपना ही घर समझूंगी। 2007 में आई फिल्म घुटन में रवि अपने एक दोस्त के साथ अपनी बीवी कैथरीन को एक कब्रिस्तान में जिंदा गाड़ देता है, जिसके बाद इस लड़की की आत्मा दोनों से अपनी मौत का बदला लेती है। फिल्म का बजट 33,00,000 था और कमाई भी 33,00,000 की हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप हुई थी। ये रामसेस की 31वीं फिल्म है। फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं श्याम रामसे, म्यूजिक विश्वनाथ दीक्षित ने दिया है। फिल्म में आर्यन वेद, तरुण अरोरा, हिना तस्लीम और पूजा हैं। मुझसे शादी करोगी? आई लव यू। साथ में आई फिल्म भूल भुलैया में सिद्धार्थ अपनी बीवी अवनी के साथ अपने पुश्तैनी महल में रहने का फैसला करता है, लेकिन सब लोग उसे उस महल में एक भूतनी होने की वजह से वहां रहने के लिए मना करते हैं। जल्दी ही कुछ अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगती हैं, तो सिद्धार्थ अपने साइकियाट्रिस्ट दोस्त आदित्य को बुलाता है। यह एक मलयालम फिल्म की रीमेक है। फिल्म का बजट 32,00,00,000 था और कमाई 83,00,00,000 की हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट हुई थी। फिल्म का डायरेक्शन प्रियदर्शन ने किया है, म्यूजिक प्रीतम ने दिया है, गाने नीरज श्रीधर, केके, श्रेया घोषाल, शान और तुलसी कुमार ने गाए हैं। फिल्म में अक्षय कुमार, विद्या बालन, शिने आहूजा और अमीषा पटेल है। राजा विभूति नारायण, कौन है राजा? कौन है तू? मैं मंजुलिका। 2007 में आई फिल्म छोड़ो ना यार में दिल्ली के मास्कॉम कॉलेज के 3 स्टूडेंट अपनी डिप्लोमा फिल्म पहाड़ों की एक डरावनी कहानी पर बनाना चाहते हैं, लेकिन वहां जाके उन्हें पता लगता है कि वो कहानी नहीं सच है। ये 1999 में आई एक इंग्लिश फिल्म द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट की नकल है। फिल्म का बजट 3,25,00,000 था और कमाई सिर्फ 27,00,000 की हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। फिल्म का डायरेक्शन दिलीप सूद ने किया है, म्यूजिक आनंदराज आनंद और रंजीत बरोत ने दिया है, गाने सुनिधि चौहान, दिलेर मेहंदी, आनंदराज आनंद, शान और सुखविंदर सिंह ने गाए हैं। फिल्म में जिमी शेरगिल, किम शर्मा, फरीद अमीरी और कबीर सदानंद हैं। दो हजार सात में आई गौरी द अनबॉर्न फिल्म में सुदीप और रोशनी की बच्ची शिवानी स्पोर्ट्स डे वाले दिन फिसलकर गिर जाती है।
जिसके बाद उस बच्ची का बिहेवियर बदल जाता है। बाद में पता लगता है कि शिवानी में सुदीप और रोशनी की अनबॉर्न बच्ची की आत्मा आ चुकी है। फिल्म का बजट 2,75,00,000 था और कमाई सिर्फ 56,00,000 की हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। इस फिल्म का डायरेक्शन अक्कू अकबर ने किया है, म्यूजिक राजू सिंह ने दिया है, गाने महालक्ष्मी अय्यर ने गाए हैं। फिल्म में अतुल कुलकर्णी, ऋतुपर्णा सेन गुप्ता, ऋषिता और अनुपम खेर हैं। मैंने कहा मॉरिशस चलते हैं और तुम्हें यहाँ आना था। मैंने कहा खाना मैं बनाती हूँ तो पापा लग गए खाना बनाने। शिवानी मत जाओ। रोशनी। 2008 में आई फिल्म 1920 में अख्तर सिंह जायसवाल पालमपुर में अपनी सुनसान हवेली को तोड़कर एक होटल बनाना चाहता है, लेकिन जितनी भी बार उस हवेली को तोड़ने के लिए किसी को भेजा जाता है वो सब मर जाते हैं। फिर इस काम के लिए अर्जुन सिंह अपनी पत्नी लीसा के साथ वहां आता है और उसकी पत्नी पर एक बुरी आत्मा कब्जा कर लेती है। फिल्म का बजट 7,00,000,000 था और कमाई 14,50,00,000 की हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म एवरेज गई थी। फिल्म का डायरेक्शन विक्रम भट्ट ने किया है, म्यूजिक अदनान सामी ने दिया है, गाने पंडित जसराज, आशा भोसले, शोभा मुगदल, कैलाश खेर और परवीन सुल्ताना ने गाए हैं। फिल्म में रजनीश दुग्गल, अदा शर्मा और इंद्रनील सेन गुप्ता हैं। में आई फिल्म फूक में राजीव को जब पता लगता है कि अंशुमन और मधु बिजनेस में उसका पैसा चुरा रहे हैं तो वो एक पार्टी के बीच में ही उन दोनों की बेइज्जती करके उन्हें काम से निकाल देता है। इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए मधु राजीव की बच्ची रक्षा के ऊपर काला जादू करती है जिससे पूरी फैमिली खतरे में आ जाती है। फिल्म का बजट 4,50,00,000 था और कमाई 14,00,000 की हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट हुई थी। इस फिल्म को थिएटर में अकेले देखने के लिए 5,00,000 का इनाम रखा गया था। फिल्म को तेलुगु में दोबारा बनाया गया था। 2010 में इस फिल्म का सीक्वल भी बना था। फिल्म का डायरेक्शन रामगोपाल वर्मा ने किया है, म्यूजिक बापितुतुल ने दिया है। फिल्म में सुदीप, अमृता खनवलकर, एहसास चन्ना और अश्विनी कलसेकर हैं। में आई फिल्म भूतनाथ में आदित्य और अंजलि अपने बेटे पंगू के साथ नाथ विला में किराए पर रहने आते हैं, लेकिन यहां इस विला के मालिक कैलाशनाथ की आत्मा भटकती है जो किसी को यहां रहने नहीं देती। फिल्म का बजट 20,00,000,000 था और कमाई 47,00,000,000 की हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म एवरेज गई थी। फिल्म का डायरेक्शन विवेक शर्मा ने किया है, म्यूजिक विशाल शेखर ने और बैकग्राउंड म्यूजिक सलीम सुलेमान ने दिया है। गाने अमिताभ बच्चन, अरमान मलिक, सुखविंदर सिंह, हरिहरन और जूही चावला ने गाए हैं। फिल्म में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, जूही चावला और अमन सिद्दीकी हैं। हम ये साइट देखने आए हैं, ये विला हम खरीद रहे हैं। पर ये घर हमारे पास एक साल के लिए है। कोई मेरे घर को हाथ नहीं लगा सकता। बाहर निकलो, निकलो बाहर। ये डरावनी हिंदी फिल्मों की लिस्ट का 14th पार्ट है। 15th पार्ट देखने के लिए बने रहे हमारे इस चैनल लाइफ इज फिल्मी के साथ। बाय एंड टेक केयर। हमारा चैनल लाइफ इज फिल्मी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।